वह जिसका दर था आखिर में वही हुआ। प्रभास का करियर बॉलीवुड में ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। बाहुबली के बाद बैक टू बैक 3 फिल्में उनकी बेकार साबित हुई है, जिसमें से आदि पुरुष उनके करियर में एक काले धब्बे की तरह छप चुका है। अगर तुम नोटिस करोगे तो ये प्रॉब्लम सिर्फ प्रभास के साथ नहीं बल्कि ज्यादातर साउथ इंडियन एक्टर्स के साथ ऑलरेडी हो चुका है। 80s में रजनीकांत और कमल हसन के साथ हुआ था, फिर 90s में चिरंजीवी और नागार्जुना, और अब प्रभास के साथ हो रहा है। यानी जिस एक्टर को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है वो बॉलीवुड में आकर अपने सक्सेस को कंटिन्यू नहीं कर पाता। हालांकि रजनीकांत और कमल हसन लेजेंडरी एक्टर है और उनको बॉलीवुड की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हर एक्टर चाहता है कि पूरे इंडिया में उनका दबदबा रहे। अब अगर प्रभास को कमबैक करना है तो उनके पास सिर्फ सलार बची है, क्योंकि मुझे नहीं लगता प्रोजेक्ट के इतना कुछ खास कमाल कर पाएगी।